Hello everyone, I am Dr. Amrita, I am MBBS MD, Life Coach and a Healer. So today's topic is how to overcome the fear. So fear is a very common emotion I am sure every one of us must have experienced this. So how to overcome it? So first thing is to recognize that what type of fear you have, like fear of failure, fear of losing money, fear of losing loved ones. So different type of fears can be there. So first thing, a solution of everything is like you don't remember an answer. Our teacher says, write, So first you write, then you will The same thing is with life coaching and healing. इफ़ यू डोंट अंडरस्टेंड एनी इमोशन जिस जर्नल योर थाट्स हाउ यू आर फीलिंग फीलिंग तो सबको पता होगी कि अभी मुझे डर लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे किस बात पर गुस्सा आ रहा है मुझे किस बात से ट्रिगर हो रहा है ये बातें तो आप आराम से लिख सकते हो दर इज नथिंग डिफ़िकल्ट इन दैट सो फर्स्ट थिंग इज़ टू एक्सेप्ट इट कोई भी आदमी को कोई भी इंसान को अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिले आपको बुरा लगता है सेम थिंग हमें जिससे डर लगता है वो उस पर सोचते ही नहीं है वी जस्ट वॉन्ट टू स्केप फ्रॉम इट कि अरे वो सोचना ही नहीं है सोचेंगे नहीं तो डर चला जाएगा इट्स नॉट करेक्ट आप अगर कोई चीज़ हील नहीं करते हो आप अपने आप को कोच नहीं करते हो और आप कहते हो अरे ठीक हो जाएगा सो इट्स लाइक आपको अंदर फ्रैक्चर है पर आप बस पेन क्लियर लेते जा रहे हो कि दर्द नहीं होगा जब तक दर्द नहीं होगा बट इनसाइड दूट विच विल बी ऑलवेज देयर सो इट्स लाइक हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग इज़ लाइक दैट अगर आपको कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो बट यू नो दैट आई एम फीलिंग एंड आई एम फीलिंग दिस बट यू डोंट वॉन्ट टू टेक एक्शन यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट किया अरे दो चार हजार रुपये कहाँ वेस्ट करेंगे पता नहीं क्या होगा सो इफ यू आर डीलिंग दैट दैन डियर सोल्स यू आर डीलिंग योर हीलिंग बट ऊंड इज इनसाइड दैट हाउ मच सुपरफिशियली You behave to be happy, but inside you feel empty. So that is the fear. First thing, accept the feeling of fear. Second thing, to journal from where it is originating. Like you are fear of failure. Kahasi arai, kisi si arai, kisi ne aapko kuch bola, apni experience kiya, apni pehle failure ko experience kiya, kahasi arai, ya loss of loved one, you have experienced this, and from that time you.

एक ठीक है एक्सेप्ट इट हम मुझे फियर है कहाँ से आया फ्रॉम वेयर फ्रॉम विच एक्सपीरियंस आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस फियर फियर ऑफ फेलियर आया तो पहले से आया सो so, अगर आप फेलियर से डर रहे हो सो यू जस्ट क्लोज़ योर आइज एंड थिंक वो टाइम में जब आपने फियर का अपोजिट फील किया हो यू फील कॉन्फिडेंट आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो यू करैक्ट इट आपने कोई स्कूल में पोएम अच्छे से सुनाई हो कोई गाना गाया हो किसी लोगों के साथ डांस किया हो सो जब आपने कोई फियर को ओवरकम किया डरते डरते या कोई एग्जाम में पेपर लिखा हो ट्राई टू रिमेम्बर दैट इमोशंस वो सोचना है कि हमने एक बार किया है मैंने टेंथ का एग्ज़ाम किया है ट्वेल्थ का किया है तो नीट भी मुझसे हो जाएगा सो दैट इज़ द थिंग यू शुड ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव नाउ फॉर अदर थिंग्स ठीक है फियर mm, uh, है मुझे इस चीज़ों से सो आई हैव टू कम आउट ऑफ इट स्लोली एंड स्लोली कुछ नहीं होता अगर आपको क्लोज स्पेस से है आप एक बार जाके देखेंगे स्टेप बाई स्टेप विल गो एंड वील सी के नथिंग इज़ हैप्निंग इतने लोग क्लोज स्पेस में जा रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है so सो मेरे को भी कुछ नहीं होगा सो दिस इज़ द वे यू कैन ट्रेन योर माइंड सो फर्स्ट रिकोगनाइज एक्सेप्ट जर्नलिट हाउ यू आर फीलिंग and say everything is perfect in my life there's nothing to fear and i'm greater than my fear and doubts so please affirm these three lines in the morning and if you are not still able to regulate that feeling seek help we life coach and healers are out there to help you don't ignore the problem but because own will become bigger and bigger seek help take help don't be hesitant and there's a link in my group for the free healing classes join that and dm me whatever you feel about this weight thank you so much